दोस्तों, इनोवा इनोवा एक ऐसी कार है जिसे सभी लोग जानते हैं, और जिनके पास भी दो तीन कारें हैं उनके पास आप इनोवा जरूर देखेंगे। लॉन्ग टूर के लिए दोस्तों इनोवा काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी आराम इस कार में आपको देखने को मिलता है। और पहले के मुकाबले में अभी जो आती है दोस्तों क्रिस्टा, वो तो लाजवाब ही लगती है। इसमें आपको कैप्टन सीट भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो नई आने वाली है फेसलिफ्ट न्यू इनोवा, वो हाइब्रिड में आने वाली है। आइए जानते हैं न्यू हाइब्रिड में आने वाली इनोवा क्या कुछ लेकर के आती है, क्या प्राइस होगा और कब तक लॉन्च होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में टोयोटा के दो हाइब्रिड मॉडल कैमरी और वेल फायर बिक्री पर हैं, लेकिन उनकी संयुक्त बिक्री का आंकड़ा महज 150 यूनिट प्रति महीना है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भारतीय बाजार में सबसे अधिक मांग वाली एमपीवी है। फिलहाल टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कर चुकी है। नई आने वाली मॉडल के प्रोटोटाइप को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धरती पर देखा गया था। इसमें हैवी केमो और बड़े अलॉय व्हील्स दिखाई दे रहे थे। हालांकि फ्रंट फेंडर क्रीज की एक झलक से ऐसा लगता है कि ये फॉर्च्यूनर से मिलती जुलती है। वहीं रियर व्हील डोर लंबा और रियर फेंडर सीधा लग रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ये कब तक आ जाएगा मार्केट में, तो उम्मीद यह है कि साल के अंत तक ये देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक्सटीरियर में एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा। केबिन भी फीचर लोडेड होगा। अपडेटेड मॉडल कनेक्टेड कार टेक के साथ एक बड़ी और हाईटेक इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ आएगा। इसके अलावा सुरक्षा सुविधाओं को स्टैंडर्ड तौर पर पूरी रेंज में पेश किया जाएगा। टोयोटा इनोवा ने ही भारत में एमपीवी का क्रेज शुरू किया था। इस कार की कीमत पहले जहां 7 लाख के आसपास थी, वहीं अब यह कार 25 लाख पहुंच गई है। नई इनोवा हाईक्रॉस में वही पेट्रोल हाइब्रिड मोटर होगा। डिजाइन की बात करें तो दोस्तों इसमें कई अपडेट देखने को मिलेंगे। यह हिलक्स के समान बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस पर आधारित होगा। पीछे की तरफ एक शार्क फिन एंटीना, बूट स्पाइलर और वेंट के साथ नए बम्पर उपलब्ध किए जाएंगे। इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और नई एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। डायमेंशन के हिसाब से यह मौजूदा मॉडल से थोड़ी सी बड़ी होगी, और काफी ज्यादा आरामदायक, आकर्षक और मस्त दिखने वाली सॉलिड इनोवा आ रही है। इसको फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट में पेश किया जाएगा, जिसमें यह पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विकल्प में आएगी। 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन 166 bhp का पावर और 245 nm का टॉर्क देती है। अपडेटेड फीचर्स के रूप में इसमें मल्टी टेरेन मॉनिटर शामिल होगा, जो ड्राइवर को आसान पार्किंग के लिए नेविगेट करने के लिए बर्ड आई व्यू उपलब्ध कराएगा। इसमें आपको हेडअप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर के साथ डोर एज लाइटिंग देखने को मिलेगा, और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट कंसोल भी दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग दिए जाएंगे, 6 एयरबैग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्राइस की बात करें दोस्तों, तो आपको तो पता ही है इसकी प्राइस जो है ना 25 लाख तक आराम से जाएगी। हाइब्रिड कार दो तरह के इंजन से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक सामान्य ईंधन वाला इंजन होता है और दूसरा बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक मोटर होता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि हाइब्रिड कार किसे कहते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस तरह इन कारों को एक समय पर पेट्रोल या डीजल से, वहीं दूसरे समय में इलेक्ट्रिक कार की तरह चलाया जाएगा। भारत में अभी जो हाइब्रिड कारें मौजूद हैं, वे लिक्विड फ्यूल के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, नए डिजाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ और ज्यादा आराम देने वाली नई इनोवा हाइब्रिड आ रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर।